वीरांगना रानी अवंती बाई की 190वीं जयंती सोमवार रात को रानी अवंती बाई लाहार चौराहे भिंड में धूमधाम से मनाई गई। लोधी समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों पदाधिकारियों ने विधायक संजीव सिंह के साथ कैंडल जलाकर उन्हें याद किया। इस अवसर पर भिंड विधायक संजीव सिंह ने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के बलिदान को समाज और देश हमेशा याद करेगा। लोधी समाज को गौरवान्वित करने वाली स्वतंत्रता सेनानी अवंती बाई लोधी थी। इसके साथ ही विधायक ने अवंती बाई लोधी छात्रावास में 27 लाख की राशि से सामुदायिक भवन निर्माण करने की घोषणा भी की और इसके लिए लोधी समाज ने उनकी प्रशंसा की। जिस दिन से मैं विधायक बना उस दिन से प्रयास कर रहा था। आपको पता है कि पहले के लोगों ने क्या किया था, जो जगह यहाँ पे माननीय उमा भारती जी ने यहाँ निर्देशित करके गई थी, इसको और कहीं ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन जब से मैं विधायक बना मैं प्रयास यही किया कि यहीं पर लगनी चाहिए और मैंने वो लगवाई भी। अनावरण चूंकि हम किसी बड़े वरिष्ठ नेता से कराना चाहते हैं जिससे कोई संदेश जाए, समाज के लिए एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए, इसलिए थोड़ी सी देरी है। जैसे ही उनकी तिथियां मिलेंगी, हमको समय मिलेगा, अपन इसको अनावरण भी कर देंगे और आपके मांग पर, आपके आदेश पर जो आपका अवंती बाई छात्रावास है उसके लिए 27 लाख रुपए पहले सरकार से मैंने ही मंजूर कराए हैं अभी और उसका टेंडर भी हो गया है।